वेल क्या हाल चाल मेरी प्यारी प्यारी ऑमलियंस मेरी नमूने की फौज। तो या अपन आ चुके एक और लेके फार्म की वीडियो। तो या आज अपन बनाने वाले फुल्ली ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। भाई फुल्ली ऑटोमेटिक बोलो तो भाई तुम्हें बस एक बटन दबाना है, वैसे दो या तीन बटन दबाने होंगे, फिर तुम भाई बस खड़े रहो भाई तुम्हें अनलिमिटेड भाई शुगर केन मिलने वाला। चलो फिर फटाफट से फार्म को स्टार्ट करते, उससे पहले तुम लोग फटाफट वीडियो लाइक, चैनल अपनी हो या से सब्सक्राइब करो मित्रों। तो मेनली इस फार्म को बनाने से पहले आपको बनाना पड़ेगा केल फार्म जो की बहुत इजी पीजी है। तो ज्यादा कुछ नहीं, पहले आपको एक क्लॉक बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ओके फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना रेडस्टोन टॉर्च, फिर यहाँ पे अपना आ जाएगा रेडस्टोन, इस सब के आगे एक दो ठीक है इसके, फिर बीच में लगा था अपना रेडस्टोन रिपीटर एक इस प्रकार से। फिर अब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसको ऑफ करने के लिए भाई अपन लेवा लीवर, तो ये हो जाएगा अपना लीवर ऑफ ठीक है। यहाँ से मुझे पांच रेडस्टोन लगाने हैं तो इसको छोड़ देना, एक दो तीन चार पांच ठीक है, पांच हो चुके हैं, फिर सबको मैच कर देना भाई। पांच अपने को कैदिस में पांच बनाने वाला, अगर तुम चाहो तो पांच से एक्स्ट्रा बना सकते हो। यहाँ पे जाएगा अपना पिस्टन, स्की पिस्टन सॉरी ठीक है, स्की पिस्टन लगाने के बाद अपने को यहाँ पे लगा देना है ब्लॉक्स कुछ टेम्पररी इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लेट्स गो, यहाँ पे आ जाएगा अपने सैंड, एक दो तीन चार पाँच सॉरी गलत लगे एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे ब्लॉक, फिर यहाँ साइड पे ब्लॉक, फिर इसके ऊपर भी ब्लॉक पूरा आ जाएगा, एक दो तीन चार पूरा एंड तक यहाँ तक ब्लॉक जाएगा ठीक है। फिर इसके ऊपर आ जाएगा अगेन सैंड पूरा, पहले इसको ढक देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा पूरा सैंड, एक दो तीन चार पाँच, एक मिनट पाँच बनाया ना मैंने, हाँ पाँच बनाया मैं, कन्फ्यूज हो गया। ओके तो इसको भी पूरा कवर कर देना इस प्रकार से। फिर यहाँ पे एक और जाएगा लेयर, भाई ये तो बहुत ईजी फीजी बाम है भाई, अगर ये नहीं आता भाई तुम भाई छोड़ दो भाई उम्मीद ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा पाँच पिस्टन्स इस प्रकार से, लेट्स गो। अब इसको पूरा पूरा कवर कर देना है अपने ब्लॉक से, नॉर्मली स्टोन ब्रिक से तुम कुछ भी ले सकते हो, नो मैटर, तुम डॉट भी लगा दो, डॉट भी मैटर करता है, मतलब डॉट भी चलता है, ये तुम्हारी ऊपर चॉइस है ठीक है। ओके ये होने के बाद इसके साइड साइड से अगर तुम चाहो तो भाई अपना ये स्टोन ब्रिक्स लगा सकते हो या फिर ग्लास लगा सकते हो, तुम्हारे मूड पर है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे मूड के ऊपर कि तुम क्या बनाना चाहते हो, किस प्रकार से बनाना चाहते हो ठीक है। ओके इतना बनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे अपना वो एरिया बनाना पड़ेगा, यहाँ पे अपना एज लाइक कलेक्टिंग एरिया बोल सकते हैं लेकिन ये कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे अपना डिस्पेंसर आ जाएगा, फिर इसके पीछे पूरा पूरा अपना हॉपर आ जाने वाले एंड तक, जहाँ तक अपना ये सैंड बजा हुआ है ठीक है। तो पूरा पूरा यहाँ तक हॉपर अपन खींच लेंगे, एक दो तीन चार पाँच ठीक है, मतलब मैक्सिमम वहाँ से यहाँ तक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और अगर एक्सपेरिमेंट तुम लोग को अच्छा लगता है तो भाई कमेंट जरूर बताना कि अच्छा लगा मुझे ठीक है, आई विश यार अच्छा लगा ठीक है। तो इतना होने के बाद अपने यहाँ पर लगाना कंपोस्टर पूरा अपना, पूरा यहाँ पे पांच कंपोस्टर जाने वाले, एक दो तीन चार पाँच ठीक है कंप्लीट। फिर इसके ऊपर जाएंगे हॉपर्स, ये तो भाई सबको मालूम है भाई, यहाँ तक तो ये सब कंप्लीट कर सकते हैं, सब लोग इजी पीजी कर सकते हैं, ये भाई बड़ी बात नहीं। ओके तो अब बस मुझे यहाँ पे लगाने अपने ग्लासेस, तो इन हॉपर्स के ऊपर अपना ग्लास आ जाएगा पूरा इस प्रकार से, दो तीन चार पाँच कंप्लीट। फिर यहाँ पे आ जाएगा पूरा अपना ग्लास, वैसे यहाँ पर ग्लास पिन लगने वाला था मोई मोई करके ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ग्लास एक दो तीन, और इन सबको कनेक्ट कर देना लगे हुआ है इन सब में, ऐसे ऐसे, और ये दो इधर आ जाएगा, एक दो ठीक है। फिर इन ग्लास पेन्स को यहाँ पे प्लेस कर देना ताकि ये थोड़ा सा कवर कर जाए पूरा, लेट्स गो ये पूरा फाइनल कंप्लीट है। ओके तो बस इसके पीछे वाला सेटअप बाकी है तो वो अपन लगे तो कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको तोड़ के लगाना है रेडस्टोन टॉर्च, यहाँ पे ब्रिक्स इजी पीजी कवर करके, फिर यहाँ पे भी एक रेडस्टोन टॉर्च, फिर इसके ऊपर ब्रिक्स क्राउच करके, एक दो लेट्स गो, फिर यहाँ पे एक मिनट गलती से लग गई मोई मोई करके। ओके तो इसके ऊपर लगाने एक और रेडस्टोन टॉर्च, फिर इसके ऊपर एक और ब्रिक्स, तो पहले मुझे यहाँ पे बिल्डअप करके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और ब्रिक्स लेट्स गो, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना रेडस्टोन टॉर्च अगेन। ओके तो अब यहाँ पे लग जाए अपने पूरे स्टोन ब्रिक्स एंड से लेके यहाँ तक का, लेट्स गो ये भी हो गया, इसको वाले को तोड़ के इन दोनों को नीचे तोड़ के, एक दो तोड़ के, और यहाँ पे जाएगा अपना एक स्टोन ब्रिक, लेट्स गो पूरे यहाँ से राइट स्टोन मुझे प्लेस कर देना, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पे भी एक दो तीन, लेट्स गो भाई ठीक है। ये पूरा फार्म बन के रेडी है। अब मैं तुम लोग से पूछूंगा भाई कि इस फार्म में क्या गड़बड़ी है, तुम लोग अगर बना मतलब जिसने बना रखा है वो बताना भाई कमेंट में, जो बताना कि इसमें क्या गड़बड़ी है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे पानी डाल लेंगे सबसे पेंटिंग अपनी, तो भाई अगर तुम लोग भाई अगर सर्वाइवल बना रहे हो तुम लोग इजी पीजी पहले अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना रहे उसके बाद कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे वाटर प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है अपना नॉर्मल कैल्प, एक दो तीन चार पाँच ठीक है। तुम लोग जरूर कमेंट बताना भाई कि मैंने इसमें इस फार्म में क्या गड़बड़ी की है, मैंने कुछ गड़बड़ी की है, देखते भाई कौन कमेंट में बता पाता है। वैसे तुम लोग नहीं बताओगे ऑब्वियसली, मुझे फार्म को ठीक करने के लिए वास्ते वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी ठीक है। तो चलो एक्टिवेट करते भाई, अब देख सकते हो ये फार्म वर्क नहीं कर रहा है ठीक है। अब काफ़ी सारे बात लेंगे भैया आप टिक्स को यूज़ करो ठीक है, तो मैं टिक्स लगा रहा हूँ, देखो एक दो तीन, नो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
तो भाई अब चलो मैं बताता हूँ वो क्या इशू है जो मैंने इसमें गड़बड़ी की है, ठीक है। ओके, तो वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी वाली गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी छोटी मोटी गड़बड़ी है जो कि तुम बहुत इजी पीजी से उसको सॉल्व। फालतू तो क्या लग गया, डॉट टूट गया ये, ठीक है, इसको भर देते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। तो ये वाली लेयर है ना वो अपनी टूटी हुई हुई, जिसने मतलब नहीं तोड़ी थी, काफ़ी सारे बंदों ने नहीं तोड़ी, इनफैक्ट मैंने भी नहीं तोड़ी थी, पर मैं इसको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले तोड़ा हूँ, तो ये पूरी पूरी टूटी रहेगी एंड यहाँ से ये पूरा कवर्ड रहेगा, ठीक है। अब देखो ये फार्म मैं दोबारा यूज़ करूँगा एंड वर्क करके दिखाते कि यार ये फार्म वर्क करता है, मतलब तुम्हें समझ गए पिस्टन के जस्ट नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है। अभी देखो ये पिस्टन काफ़ी अच्छे तरीके से कैल्प को तोड़ रहा है, इट मीन्स ये फार्म परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब बस मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बनाना पड़ेगा, मतलब शुगर केन ब्रेकर या फिर जो भी बोलेंगे भाई उसको बनाना पड़ेगा। चलो फिर फटाफट से उसको बनाते हैं। ओके, तो नॉर्मल यहाँ पे छोटे से करेंगे एक डिक और इसके अंदर आएगा अपना पानी, लेट्स गो। ओके, तब इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे लगाएंगे अपने हॉपर, इस वाले ब्लॉक को तोड़ के अपने लगाएंगे हॉपर, लेट्स गो। यहाँ पे लगाएंगे शुगर केन, ये कम्प्लीट। अब इसके चार साइड से अपन कवर कर देंगे ग्लास से। ओके, अब इस डिस्पेंसर के ऊपर लगा देना अपने को एक पिस्टन नॉर्मली, फिर इस ग्लास को तोड़ देना है और यहाँ पे नॉर्मल तुम्हारा ग्लास प्लेस कर देना। ओके, तो ये गलती से लग गया, तोड़ दो, ठीक है, ये हो चुका है फाइनल। ओके, तो बस मुझे यहाँ सब थोड़ा सा एरिया क्लियर करना पड़ेगा जिससे मैं इजी पीजी अंदर जा सकूँ, ठीक है, कलेक्टिंग एरिया जिसको बोलेंगे अपन। ओके, तो मुझे यहाँ पे लगाना है टेम्परेरी ब्लॉक, वैसे मेरे पास टेम्परेरी ब्लॉक भी है नहीं फिलहाल, मैं इसलिए चेस्ट लगा रहा हूँ। चेस्ट लगा के ऊपर अपने को क्रॉस करके हॉपर चेस्ट लगा देना है, ठीक है, इसको तोड़ देना है, फिर यहाँ से कनेक्टेड हो गया अपना एक जगह हॉपर कुछ इस प्रकार से, लेट्स गो। इसके ऊपर लगाना अपने को रेल अपना, तो ये अगर रेल, लेट्स गो, हमें कम्प्लीट। फिर यहाँ पे डालना अपने माइनक्राफ्ट विद हॉपर, ये लगाने वाले आपको नॉर्मली ये जो रेल है इसके नीचे जाके एक डाउन डिग करके आप इजी पीजी इसको तोड़ सकते हो। ये कम्प्लीट होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा टॉर्चेस लगा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है भाई, क्योंकि भाई अगर टॉर्चेस नहीं लगाओगे पता चले तो मैं यहाँ पे भाई अपना कलेक्टिंग एरिया देखने आओ और यहाँ पे क्रीपर भी लाइक हेलो हाउ आर यू। ओके, तो मुझे इसको एक्टिवेट करने के लिए भी एक क्लॉक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉर्मली वही सेम प्लेस मतलब सेम चीज यहाँ पे क्लॉक जाएगा इस प्रकार से, प्रोडक्ट को बना लेते हैं। यहाँ पे जाएगा अपना रेडिएशन रिपीटर इधर को फेस करते हुए ऐसे, इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे अपना लीवर, या फिर सबसे पहले तुम रेडिएशन लगा लो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लगा लो लीवर, यहाँ से पूरा रेडिएशन कनेक्ट होकर, सॉरी रेडिएशन टॉर्च था वो, सॉरी मोई मोई, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे पूरा जाएगा अपना लीवर, एक मिनट यहाँ पे ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है, देखो वो अपने आप एक्टिवेट हो चुका है, इट मीन्स वो वर्क कर रहा परफेक्टली। अखबार में से गड़बड़ी हो गई थी, इस पिस्टन को एक्टिवेट नहीं करना था, बस मुझे इस डिस्पेंसर एक्टिवेट करना था, तो बस यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाऊँ तो यहाँ भी एक्टिवेट हो जाने वाला है, देखो एक्टिवेट हो चुका है, बस मुझे पिस्टन को एक्टिवेट करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो भी ये भाई दिक्कत वाली बात कर रही है, मेरे को नहीं समझ रहा क्या करूँ इसमें मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको भी ठीक करता हूँ भाई। ओके, तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, मैं यहाँ पे एक ड्रॉपर लगा रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉपर यहाँ पे लगाने के बाद मुझे यहाँ पे कनेक्टेड एक चेस्ट लगा देना कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक और क्लॉक बनाना पड़ेगा जिससे ये अपना ड्रॉपर एक्टिवेट हो सके और लगे हाथ मैं इससे अपना ऑब्जर्वर भी कनेक्ट कर दूंगा, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा बेस्ट वाली चीज होगी। चलो फटाफट से उसको बनाते हैं, तो बस अपने को यहाँ पे क्लॉक बनाना, एक दो, फिर यहाँ पे जाएगा अपना एक ब्लॉक इस प्रकार से, यहाँ पे दूसरे जाएगा यहाँ पे, इसको तोड़ के अपने कहाँ पर लगाना अपना रेडिएशन रिपीटर, बहुत इजी पीजी, अरे भाई रुकना भाई, यहाँ पे जाएगा एक, लेट्स गो। फिर बस मुझे यहाँ एक सॉरी वो गलती से लीवर लग गया, यहाँ पे रेडिएशन टॉर्च लीवर और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा अपने, इसको पहले तोड़ लेते भाई फालतू लगा रहेगा। यहाँ पे आएगा अपना रेडिस्टोन, एक दो तीन, यहाँ पे क्राउच करके एक, लेट्स गो। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक मिनट रुको यार, यहाँ पे ब्लॉक लगाना पड़ेगा मुझे हो सके तो, क्योंकि अगर इसको एक्टिवेट करना है ब्रो तो मुझे, एक मिनट रुको, शायद ये वर्क करे, आई होप यार ये वर्क करे भाई, प्लीज़ ब्रो, आई विश ब्रो, लेट्स गो, ये वर्क कर रहा है क्या? ओके, ये वर्क कर रहा है, लेट्स गो। ओके फाइन, तुम लोग देख सकते हो शुगर केन अपने टूटने स्टार्ट चुके हैं, ठीक है, परफेक्टली वर्क तो कर रहा है, बट इसमें मुझे टिक्स देखने पड़ेंगे, टिक्स कितने टिक्स पे मुझे तोड़, एक मिनट, ये नहीं चलेगा, दूसरे पे तोड़ रहा है, ठीक है, तोड़ रहा, दूसरे पे भी तोड़ रहा भाई, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक तुम बोलो तो भाई एकदम खतरनाक तरीके से ब्रदर्स। ओके भाई, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म तो वर्क कर रहा है भाई, बस इसमें बोन मिल खत्म हो जा रहा है, दैट्स वाई रुक जा रहा, वरना ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। ओके, लेट्स ही देखते, ओ भाई एक स्टैक, खतरनाक वीडियो, खतरनाक भाई, ये तो एकदम बवाल चीज़ है, ठीक है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर तुम चाहते हो भाई इसका मैं सेकंड पार्ट निकालूँ, सेकंड पार्ट में तुम लोग को अच्छे से बता दूंगा इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब एकदम परफेक्टली, जिसमें बिल्कुल भी इशू वाली बात ना हो, ठीक है, वो वाला मैं तुम लोग को बना के दिखा दूंगा अगर तुम लोग चाहो तो, ठीक है। तो भाई लोग यार ये फुल्ली ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म आपको कैसा लगा? आई नो दैट ये काफ़ी सारे बंदे भाई गाली बकेंगे भाई यार ये क्या बाजीर बना दिया तुमने, ठीक है, बट यार मैंने खुद से बनाया तो ऑब्वियसली भाई कुछ भी तो अजीब होगा ना भाई, मैं इसको थोड़ा और एक्सचेंज मतलब चीज़ें चेंजेस करके इसमें न्यू बनाऊंगा, तुम लोग कमेंट जो बताएंगे सेकंड पार्ट इसका चाहिए, तो भाई फुल्ली ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा है तुम लोग को ये क्लॉक नहीं बनाने पड़ेगी, बस एक क्लॉक दो क्लॉक से काम बन जाएगा तुम्हारा। तो आज की वीडियो कैसे लेकर कमेंट जो बताना, वीडियो से लाइक चैनल पर न्यू हो
यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। इस पार्ट का अगर न्यू वर्जन बोले तो पार्ट सेकंड चाहिए तो तुम लोग कमेंट कर देना पार्ट सेकंड, तो मैं इसका न्यू एक बना दूंगा जिससे तुम लोग काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो चलो फिर टाटा बाय बाय गुड डे, और हाँ थाम्बा देखा के जरूर जाना।